आज ना हम लोग बनाएंगे चिकन कढ़ी। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है, आप बना के खा सकते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था कि चिकन कढ़ी डालो, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। और साथ में आप लोग के लिए खिला खिला पुलाव भी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, आपका धर्मशीला किचन में बहुत बहुत स्वागत है। चिकन कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 kg चिकन। इसको साफ पानी से मैंने धो लिया था और चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो इसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा डाल देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च पाउडर है। और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच चिकन मसाला। आपके पास चिकन मसाला है तो डालिए, नहीं तो आप यहाँ पर गर्म मसाला भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, 1/2 छोटी चम्मच। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दही। दही मैंने यहाँ पर 3 चम्मच यूज़ किया है। और इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं सारे चीज़ों को। इसमें थोड़ा सा मैंने चिकन मसाला बचा के रखा था, उसको भी डाल देते हैं। तो ये टोटल मैंने 2 चम्मच डाला है चिकन मसाला। अब मैरिनेट करने के बाद इसको आधे घंटे तक छोड़ देंगे, उसके बाद हम चिकन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको ढक देते हैं ढक्कन से। चिकन हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक यहाँ पर प्याज भून लेते हैं। तो मैंने उसके लिए कढ़ाई बैठा दिया है, कढ़ाई एकदम गर्म हो गया है, गैस के ऊपर बैठा दिया था। और इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल में चिकन बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे साबुत मसाले। तो सबसे पहले डाल देते हैं जीरा, और डाल देते हैं तेज़पत्ता, लाल मिर्च टुकड़ा, और डाल देते हैं दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची काला वाला, और इसमें डाल देते हैं 1 छोटी इलायची, थोड़ा सा लौंग, और ये है काली मिर्च, और थोड़ा सा डाल देते हैं क्रश किया हुआ लहसुन। थोड़ा सा इसको कूच लिया था, और थोड़ा सा अदरक भी है, और थोड़ा सा इसको भून लेंगे कम से कम 20 सेकेंड। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को मैंने लंबे लंबे काट लिया था, पहले ही रख लिया था काट कर। ये 3 प्याज है। डालने के बाद इसको अच्छे से हम भून लेंगे ब्राउन होने तक। तो इसको अच्छे से चला लेते हैं और ढक देते हैं। प्याज को बीच बीच में चलाते रहिएगा, तब तक यहाँ पर हम मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डाल देते हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसमें डाल देते हैं जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, और 1/2 छोटी चम्मच डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर, और 1/2 छोटी चम्मच डाल देते हैं हल्दी पाउडर, और इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने कश्मीरी वाला यूज किया है, इससे तीखा कम होता है लेकिन कलर बहुत बढ़िया आता है। तो मैंने 1.5 चम्मच यूज किया है। और इसमें सारे चीज़ों मसाले डालने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब देखते हैं प्याज को, तो प्याज को देख लेते हैं। देखिए प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई टमाटर, ये मैंने चॉप किया था, आप चाहे तो मिक्सर में थोड़ा सा चलाकर पीस सकते हैं। तो ये मैंने 2 टमाटर लिया था बड़ा साइज का। और इसमें नमक भी डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच, कि इससे क्या होगा टमाटर जल्दी गल जाएगा। तो इसको अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे। टमाटर डालने के बाद आपको अच्छे से तेल छोड़ने तक भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैरिनेट में भी डाला था इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। और तैयार किया हुआ मसाला डाल देते हैं, जो हम लोग तैयार किया था मसाले को, और अच्छे से इसको भी तेल छोड़ने तक भून लेंगे। भूनने से ही टेस्ट आता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें। और देखिए इसको ढक देते हैं कि अच्छे से हमारा मसाले से खुशबू आने लगे, और तेल भी अच्छे से साइड साइड से छोड़ दिया है। और इसमें हम डाल देते हैं मैरिनेट किया हुआ चिकन। आप जब भी चिकन बना रहे हो ना, तो इस आपको भूनना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है और कच्चा भी नहीं रहता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से बना के। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप बनाकर खा सकते हैं।
इस तरीके से। तो इसको ढक ढक कर अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। कैमरा के एडजस्ट करने में थोड़ा सा मेरा कढ़ाई हिल गया है, कोई बात नहीं। इसको पकड़ के अच्छे से चलाते रहेंगे और बीच बीच में चलाते रहिएगा। मैंने इसको 10 से 12 मिनट तक भूनना है। आपका ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा। थोड़ा पेशेंस से चिकन बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। कहते हैं ना सब्र के फल मीठा होता है, वही। तो इसको अच्छे से आप मैंने भून लिया है, आप देख सकते हैं एकदम तेल अच्छे से छोड़ दिया है और लटपटी से एकदम ग्रेवी बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इस स्टेज पर भी खा सकते हैं रोटी पर, लेकिन हम लोग पुलाव के साथ खाने वाले हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल रहे हैं। तो पानी मैंने एक गिलास डाला है, ग्रेवी अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और चला लेते हैं। चलाने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से तेल निकल गया है, मतलब हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। अब आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें थोड़ा सा हम घी भी डाल देते हैं क्योंकि बहुत ही तीखा है, और उतना थोड़ा सा तीखा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे मिर्ची हमने डाला है। तो अगर फैट वाला चीज़ कोई भी बना रहा हो ना तो इसमें घी ऐड करना ज़रूरी होता है। जैसे कि चना छोले बनाते हैं ना, उसमें भी घी डालते हैं, तो चिकन में भी घी डालेंगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, डाइजेशन के लिए भी। तो इसको आप ढक देते हैं, कुछ करना नहीं है, गैस को बंद कर देते हैं, नीचे उतार लेते हैं। अब बारी है पुलाव बनाने का। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई गरम किया है, उसमें हम डाल देते हैं तेल, रिफाइंड तेल है ये। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी यूज कर सकते हैं। और उस तेल जब गर्म हो जाए ना, उसके बाद हम डाल देंगे दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता, स्टार फूल 1 डाला है, और डाल देते हैं हरी इलायची 3 और 3-4 लौंग डाल देते हैं, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। थोड़ा सा चटकने लगे जीरा, उसके बाद हम प्याज डाल रहे हैं। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था, छोटा सा प्याज था। उसके बाद प्याज को डालने के बाद थोड़ा सा हरी मिर्च डाला है और सारे चीज़ों को थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है प्याज को, प्याज का स्वीटनेस अच्छा लगता है। और इसमें मैंने डाला है गाजर और थोड़ा सा शिमला मिर्च चॉप किया हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा मटर भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं। और पकाने के बाद अच्छे से इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं कि जल्दी सब्जियाँ पक जाए, और नमकीन पुलाव ही अच्छा लगता है। और सब पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे चावल। तो चावल को मैंने पहले ही पका लिया था। जब ही आप चावल पका रहे हो ना, पकाने के बाद आप फैन में मतलब पंखे के नीचे रखेंगे ना तो जल्दी ठंडा होगा। ठंडा चावल से आप जब भी फ्राइड राइस या पुलाव बनाएंगे ना तो आपका पुलाव बहुत ही खिला खिला बनेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाले हैं। और क्या, 2 मिनट फ्राई कीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। हो गया हमारा पुलाव रेडी, लग रहा है ना बढ़िया। फ्रेंड्स, कैसे लगा हमारा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो इस तरीके से आप भी चिकन कढ़ी बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी भी है और साथ में पुलाव भी बनाया है। तो खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।